ये मेरी बिटिया है अनम नजम। बिटिया एक रिश्ता है, ये मेरी दोस्त भी है और ये मेरी माँ भी है। माँ इन अ वर्ब टर्म, ज़ाहिर है मुझसे छोटी भी है और लड़कियों के अंदर अल्लाह ताला ने ना एक माँ रखी होती है ना। मेरी जो अपनी बेटी है उसको भी मैं लिटिल मॉम कहता हूँ, वो वर्ब कर वर्ब होती है ना, तो मुझे लगता है कि जो मेरी पोती है ना वो भी दैट विल बी ऑल्सो लिटिल माई मॉम। तो मेरी इसके साथ इसका बहुत ताल्लुक है मेरा गहरा इसके साथ। वो हमारी मुलाकात अभी मेरे ख्याल 2-3 साल के बाद हुई है जी, लेकिन फ़ोन वगैरह पर रब्ता रहा 4 साल बाद। हाँ, तो मेरी वाइफ भी आई हुई थी और इसी यहाँ मुजफ्फराबाद में मुलाकात हुई थी। तो मेरी कौसर मेरी वाइफ वो भी बहुत इसको बच्चों प्यार करती है। और एक इस दौरान में जो एक तब्दीली आई है कि अल्लाह ताला ने अनम की ज़िंदगी में ना एक शख्स दाखिल हुए हैं अहमर जी, जो इनके हस्बैंड हैं और अल्लाह ताला ने इनको शादी के बंधन में बांधा है। तो वो बहुत ही प्यारा हमारा जो है ना बखुरदार है अहमर। तो ये अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी में एक बड़ी एक आई। खैर, ये एक और बात है। अच्छा, आप क्या कह रही थी? अच्छा, हम बात कर रहे थे ज़िंदगी की कि ज़िंदगी क्या है और क्या हम इसको समझ पाते हैं, समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। तो अभी तक हम इस नतीजे पर पहुँचे, अभी जो बात चल रही थी मैं उसको रिपीट कर देती हूँ कि आपने ये कहा कि ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको ग्रास्प हम नहीं कर सकते, उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते और इसलिए उसके पीछे, उसको समझने के पीछे भागने का कोई मकसद नहीं रहता। Am I right? ऐसा ही था? ऐसे। अच्छा, दूसरा ये कि हमें हमारे ना मुसलमान होने की वजह से ना हमारा एक पैराडाइम है अपना, जो एक रिलीजियस पैराडाइम है, जो मेरा ये ख्याल है कि हमें बहुत सारी ना मुसीबतों से बचा लेता है। क्योंकि उस रिलीजियस पैराडाइम के अंदर जो कि हमारी एक्चुअली प्री कंडीशनिंग भी है, आप उसको पॉजिटिव ईमान भी कह सकते हैं, और जो हमने उसकी वजह से हमारा एक ख़ास जाविया निगाह बन गया है और उस जाविया निगाह की वजह से बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चन जो हैं उनको हम कॉग्निटिव लेवल पर सॉर्ट आउट करने की बजाय और रीजनिंग के लेवल पर सॉर्ट आउट करने की बजाय उनकी जो एपिस्टीम है ना, जो एपिस्टमोलॉजी ऑफ इल्म है, एक तो इल्म का कंटेंट होता है ना कि ये कंटेंट ऑफ नॉलेज है ना, और एक उस इल्म की एपिस्टीम होती है उसकी, यानी उसका जो सिस्टम होता है, सिस्टम इज डिफरेंट ना। बस एपिस्टमोलॉजी से मुराद ये है कि हम इल्म किसको समझते हैं, ये नहीं कि इल्म है क्या, कंटेंट क्या, हम किस चीज़ को इल्म, क्या मैं इस चीज़ को इल्म समझता हूँ कि कोई हकीकत है जो मौजूद है और वो हमेशा मौजूद रहेगी और मेरे समझने ना समझने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इल्म कोई रिलेटिव चीज़ है, वो कभी चेंज हो जाएगी कभी नहीं चीज, या इल्म बिल्कुल प्रैग्मेटिक है जो आपके लिए कुछ और है मेरे लिए कुछ और है। तो इसको एपिस्टमोलॉजी कहते हैं। तो इस हमारे पास चूँकि ना एपिस्टमोलॉजी ऑफ रिलीजन अवेलेबल है और रिलीजन की एपिस्टमोलॉजी में हम समझने को कॉग्निटिव लेवल पर परसीव करने की बजाय उसको इंट्यूशनल लेवल पर परसीव करते हैं, तो ये एक बचत हो जाती है, जिसकी वजह से ना आप उस मुसीबत से बच जाते हैं जो कि आपको पागल कर सकती है चीज़ों के बारे में। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इस सारे के बावजूद अपनी, मैं मतलब अभी भी वजू से हूँ, मैं अपने उस रिलीजियस पूरे पैराडाइम और फ्रेमवर्क के बावजूद भी अगर मैं न्यूट्रल होने की कोशिश करूं किसी, या फ्लेक्सिबल होने के लिए, ओपन होने की कोशिश करूं, तो मैं ये समझता हूं कि ज़िंदगी को समझने के लिए हमें ज़िंदगी के पैदा करने वाले को समझना बहुत ज़रूरी है ना, उसके बगैर, उस फ्रेमवर्क के बगैर हम समझ नहीं सकते। लेकिन उसको समझने के लिए हमारे अपने पास जो ज़राए मौजूद है ना, वो लैंग्वेज है सिर्फ और लैंग्वेज तो लैंग्वेज क्या कर सकती है, मतलब उर्दू ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान की क्या औकात है कि जो पूरी कायनात की एक ट्रांसेंडेंसल रियलिटी है, उस रियलिटी को उर्दू ज़बान, लश्करी ज़बान, खालिक की मखलूक ने जो आगे से तकलीफ की है वो चीज़ खालिक को क्या एक्सप्लेन करें। हाँ, उसको कैसे। तो अच्छा, वो चूँकि अच्छा, इसलिए मैंने अलबत्ता अब ये बात मैं आपसे बड़े कह सकता हूँ, मैं मुझे ना बड़ी ज़रूरत इस बात की महसूस हुई कि मैं खुदा का एक कोई तो फिज़िकल इमेज बनाऊँ। और मुझे बचपन में किसी ने कहा था कि जी खाना काबा का तस्वूर करके नमाज़ पढ़ जाए, तो अल्लाह ताला को खाना काबा समझ के नमाज पढ़ना वो मुझे अजीब सा लगता। तो मैंने उसके लिए ना क्वांटम फिज़िक्स के ज़रिए एक इमेजरी क्रिएट की है एक्सट्रीम पावर की। अच्छा। कि देखो ना भाई, देखो ये एक ये मुजफ्फराबाद है, इस मुजफ्फराबाद में हम बैठे हुए हैं,
इस मुजफ्फराबाद के अंदर हम दोनों की इस डाइनिंग टेबल पर क्या हैसियत है, फिर मुजफ्फराबाद की पूरे पाकिस्तान में क्या हैसियत है, फिर पूरे पाकिस्तान की, पूरे एशिया में क्या, पूरे एशिया की ज़मीन में, और जो ज़मीन है वो सूरज के मुकाबले में एक टाइनी ज़र्रा है, पर जो सूरज है वो तो कुछ भी नहीं है, मतलब ट्रिलियंस कहकशाएँ हैं, उन कहकशाओं के पीछे वो दमादम आ रही है सदाए कुन फयकून, वो बढ़ती जा रही, उन सारों के सुपर शेल के अंदर फिर एक ताकत सुप्रीम एनर्जी अल्लाह नूरुस समावात है, तो उसका एक इमेज, एक अकबर का इमेज जो है ना, जो पूरी इस सारी चीज़ों को इनगल्फ इस तरह से किया हुआ है कि सारी चीज़ें उसके अंदर हैं और वो उन सब के बाहर भी है और अंदर भी है, तो इस तरह का एक इमेजरी मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई। अच्छा, उस इमेजरी का फ़ायदा ये हुआ है कि उसके अंदर मैं बिल्कुल बेहैसियत हूँ मतलब मैं वर्थ मेंशनिंग भी नहीं, मैं ना ही बस तू ही तू। हाँ, मतलब अब अच्छा, इसने फिर जरा ना थोड़ी समझने में आसानी कर दी है कुरान की कायद भी ना कि हल अता अलल इंसान हीन मिन दहरी लम यकुन शैयम मज़कूरा, इंसान के ऊपर एक ऐसी भी हैसियत आई है जब वो इस काबिल भी नहीं था कि उसका जिक्र किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि वो हैसियत हमारे सबके ऊपर ना कायम है। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि अल्लाह का कॉन्सेप्ट और आप जहन में इंसान क्या सोचे, क्या तसव्वुर लाए जब हम खुदा की बात करते हैं, तो मुझे लास्ट ईयर अल्लाह ताला ने उम्रे के लिए बुलाया और जब मैं वहाँ गई तो वो जो हरम में जब काबा की आपके सामने होता है वो जो फीलिंग है, वो जो प्रेजेंस है, इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कि वो मुझे लगता है कि जैसे आपके, जैसे कोई मैग्नेट आपको खींच रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के, मतलब उस किस्म की कोई चीज़ मैंने पहले अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं की थी कि आप देख रहे हैं काबा को और आप मुस्कुराए जा रहे हैं, मतलब आपको प्यार आ रहा है उसमें। अच्छा, कहीं आपको ऐसा भी लगता है, अभी जो आप साइकेट्रिस्ट भी हैं, कि क्या इस पर भी तो ये डिपेंड करता होगा ना कि आप किस फ्रेम ऑफ माइंड से वहाँ मौजूद हैं, इसका भी तो एक ताल्लुक होगा ना। बिल्कुल। और मुझे भी ज़िंदगी में ना दो दफ़ा ये कैफियात मेरे ऊपर आई हैं। एक दफ़ा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास, तो मुझे ना जब मैं करीब आया, जब पहली दफ़ा मैं गया था, आई वॉज़ वेरी यंग एट दैट टाइम, तो एडल्ट था ऑब्वियसली। अच्छा, जब मैं वहाँ गया तो मुझे ना एक फीलिंग आई कि जैसे ना आई एम मेड अप ऑफ पेपर, एक लफाफा और उसके अंदर कुछ नहीं है, यू नो, एक सेंस ऑफ हॉलोनेस, कि मैं ना बिल्कुल एक पतले से कागज़ का बना हुआ और अंदर कुछ नहीं है, और इस कैफियत में ना मैं ऐसे एकदम नम होकर वहाँ खड़ा रहा। अच्छा, दूसरी मुझे ये बात हुई कि मैं उज़्बेकिस्तान गया, तो मुझे जाते हुए एक बंदे ने कहा कि यार वहाँ जब जाओगे ना तुम ताशकंद, अपना समरकंद, ताशकंद की बात, तो वहाँ इमाम बुखारी का मज़ार है, तो लोग वहाँ तफरी तफरू करते हैं, तुम ज़रा ना ध्यान से जाना, वो हमारे तुम ध्यान से जाना वहाँ, ज़रा अपने दिल को संभाल के रखना थोड़ा सा। तो मेरे जहन में ये बात थी, तो मैं जब वो मज़ार में दाखिल होने लगा तो उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ये जो साहिब मज़ार हैं ये आप ही की तरह के एक इंसान थे, मगर इनकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ थी, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करके और दीन का इल्म हासिल किया और उसको लोगों तक फैलाया, तो लिहाजा आप इस साहिब मज़ार से कोई चीज़ मांगने की तवक्कु की बजाय इनकी मगफरत की दुआ करें और ये अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको भी इस जैसा बना दे। ये बाहर लिखा हुआ है उर्दू में भी, बहुत से लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, एक तो पहला इम्पैक्ट हुआ मुझे उसका। अच्छा, उसके बाद जब मैं अंदर गया तो सारे लोग फोटो खिंचवा रहे थे, और जो ही मैं उनके मज़ार के सामने गया अनम, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को पकड़ लिया, एंड आई कुड, और वो फीलिंग मैं कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं, मुझे लगा कि ना आई हैव जस्ट बिन ग्रिप्ड बाई समथिंग, और मैं चुप करके वहाँ बैठा रहा, चुप करके वहाँ खड़ा रहा, बस जब उन्होंने से फोटो शोटो खींच लिए, उनका चलो जी चले, तो मैं चुप करके मैं बाहर आया और उनके। तो ये कैफियत एक होती है इस किस्म की, लेकिन अब ये पता नहीं कि ये कैफियत आपके अपने रिसेप्टिव होने की वजह से होती है या एक्सटर्नल उसकी वजह से होती है। और बताओ जिंदगी के बारे में। वही बात है कि जो चीज़, जिस चीज़ को आप सच्चे दिल से चाह रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो एक्सटर्नल जो फोर्सेस होती हैं वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहा जाता है, कि वो जो है ना चीज़ें आपके लिए काम कर जाती है। जिन दोस्तों को इस बात का नहीं पता, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अनम जब थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट थी तो इनके साथ एक हादसा हुआ, जिसमें कुछ वो जो
लूटने वाले डाकू, उन्होंने फायर किया इनकी गाड़ी पे। अपने वालिदैन के साथ ये आ रही थी रावलपिंडी से, तो इनकी स्पाइन में बुलेट लगी। और उसके बाद एक लंबी कहानी है, मगर ये पैरालाइज हो गई पैरों से, हाथों से भी जी, और धड़ सारा। तो मेरा असल में इनसे जो ताल्लुक हुआ वो इसी तरह से हुआ कि एक तकरीब में इनको बुलाया गया, तो मैं इनके पास गया और मैंने इनको कहा कि बेटा मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं आप जैसी बाहिम्मत लड़की से मिला हूँ। तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि आप मुझे मिलने के लिए आए हैं। तो ये मतलब एक अल्लाह ने इनको एक ना तौफीक दी हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को बदलने की, इस तरह से कि लोगों को ये बता सकें कि आपका भला क्या दुख होगा, पैसों का कोई दुख होगा? आपका दुख ये होगा कि आपको जॉब से निकाल दिया गया, आपका दुख ये होगा कि आपको नाजायज़ जेल में डाल दिया गया, आपका दुख ये होगा कि आपकी बिजनेस टाइप आपके प्रमोशन के टाइम पर प्रमोशन नहीं की गई। तो जिस तरह से अनंत ने अपनी इस जो डिसेबिलिटी थी उसको, और जब मैं लास्ट टाइम इनसे मिला और एक वीडियो हमने बनाई थी जिसका मैंने टाइटल ये रखा था कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो ये वीडियो देखें, तो मैंने इनसे पूछा कि अनम आप ये बताओ कि अगर दोबारा तुम्हें ज़िंदगी मिले और फिर तुम क्या अपने लिए चॉइस करोगी? तो उन्होंने कहा कि अब मैं अपने अल्लाह की रज़ा पर इतनी राज़ी हूँ कि मैं कहूँगी मुझे पैरालाइज ही दोबारा पैदा करो। है ना जी, इसको ज़रा दोहराएं, ज़रा क्या था भला ये मुझे वो। हाँ जी, मैं ये बात कह रही थी कि मैं अपने इस हाल में अल्लाह की इस रज़ा में इस तरह से राज़ी हूँ कि अगर मुझे मौका मिले कि मैं एक हेल्दी बॉडी में तो मैं शायद वो प्रेफर नहीं करूँगी और मैं इसी में रहना पसंद करूँगी। तो सुनने वालों को अजीब लगता है और लेकिन ये मैं इस जिस्म में रहती हूँ अब यही मैं हूँ, तो इट डजंट मैटर कि मतलब बहुत सी चीज़ें लोग ये समझते हैं कि शायद मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं चलने लग जाऊँ, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो हमारी ज़िंदगी के जो मकासद होते हैं और जो हमारी ज़िंदगी के इम्तिहान होते हैं वो शायद कुछ और होते हैं, वो विजिबल नहीं होते। जो हमें देखने में नज़र आ रहा होता है शायद उससे बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि बातें में छुपी बैठी होती हैं। सो जैसे आपने कहा कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ आते हैं और मैं नहीं समझती कि मेरा दुख या तकलीफ़ उनसे बहुत बड़ा है। सिर्फ ये बात होती है कि कुछ का विजिबल होता है, कुछ का विजिबल नहीं होता। हम नहीं जानते कि सामने वाला जो है वो एक हेल्दी बॉडी होने के हेल्दी बॉडी होने के बावजूद वो किस चीज़ से गुजर रहा है। तो आई थिंक इस चीज़ का हमें मार्जिन देना चाहिए। तो फिर दूसरा इन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये बात भी समझ में आ गई है कि जैसे एक किसी का मकान था ना, तो वो इत्तेफाक से वो मकान जो है ना उसके दो तीन कमरे टूट गए, लेकिन जो उसका मकीन था वो तो ठीक ही था ना। तो जिस्म भी हमारा मकान ही है ना, तो जिसकी टांगें पैरालाइज हो गई हैं तो उसके दो कमरे टूट गए हैं, मगर वो मकीन तो मकीन ही है ना। तो मकीन तो उसी तरह से है। तो चूंकि और मेरा ख्याल है कि मैं तो शायद बातें अनम से शायद ज़्यादा कर सकता हूँ, शायद मैं थोड़ा सा जो मेरी जो है तकरीर करने की एबिलिटी वो शायद अनम से ज़्यादा हो थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं इससे बहुत पहले पैदा हुआ था तो और मैं इससे पहले चला जाऊंगा। तो मेरे ग्रे बाल हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो एक्चुअली एक्सपीरियंस करके और ज़िंदगी को डिस्क्राइब करना होगा तो उसमें मेरी अथेंटिसिटी वो नहीं है जो कि अनम की अथेंटिसिटी है। तो इसने अपनी आधे जिस्म को एक बर्डन के तौर पे कैरी करने को ही एक फ़ख्र बनाकर, और फिर उससे क्या हुआ कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगी तब्दील हुई। आपके शायद इल्म में हो कि इन्होंने बरतानिया से फिर एजुकेशन की और अब ये CMH मुजफ़्फ़राबाद में कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट है। और मेरा ये ख़्याल है कि कोई भी नफ्सियाती मरीज़ जब इनके पास आता होगा तो जस्ट इनको देखना ही इलाज होगा। है ना, कि वो ये कहता होगा मैं आपका क्या दुख है, मेरा दुख ये है कि मेरी बीवी जो है वो मेरा ख्याल नहीं रखती। और जब वो अनम को देखता होगा तो देख के उसको शर्म आती होगी कि ये क्या दुख है और वो क्या दुख है। तो वो एक था ना मिसरा के, शायद तुम्हारी याद ही मेरा इलाज है, रहता है प
पहरो जिक्र तुम्हारा तबीब से है ना, शायद तुम्हारी याद ही मेरा इलाज है, रहता है पहरो जिक्र तुम्हारा तबीब से। तो ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है इसका कोई ऐसे कोई पर्पस नहीं था। तो ये मैं मुजफ्फराबाद आया तो ये आज उस फंक्शन में आई थी जिसमें मेरी वो थी टॉक थी, लेकिन वहाँ फिर इनको जाना पड़ा, वहाँ गर्मी बहुत थी तो हमें अब ये बात छुपाने की, उन्होंने कहा कि इनकी बॉडी का थर्मोस्टेट सिस्टम जो कि काम नहीं करता, तो ये फिर मुझे मिले बगैर चली गई। तो अभी मैं यहाँ ठहरा हुआ था तो मैंने फिर कहा कि तुम खाना मेरे साथ खाना, तो ये अभी यहाँ आई हैं और ये कबाब वगैरह आ गए हैं, तो लिहाजा हम इसको बंद करते हैं। तो मैं सिर्फ ये एक आखिर में सीरियस ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि अनम से मेरा इस तरह से ताल्लुक़ है कि जैसे ये मेरी बेटी है। ऑब्वियसली जो आपकी खून के रिश्ते की बेटी होती हैं, बेटी तो वही होती हैं, लेकिन एक होता है कि जो आपका कोई मुकद्दस रिश्ता होता है, और चूंकि मुकद्दस रिश्ते को हमें कोई ना कोई नाम देना पड़ता है, तो इसलिए हम उसको इस तरह का नाम देते हैं कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। तो इसके साथ ना मेरा एक मुकद्दस रिश्ता है, तकद्दस का रिश्ता है, और ख़ास तौर पर इसने मुझे बहुत ही ऑनर दिया था जब इसकी शादी हुई। तो इसने वो अहमर जो था वो मुझे मिलने आया, और वो बहुत ही प्यारा माशाल्लाह लड़का है और बहुत इसका ख्याल रखता है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इसकी ज़िंदगी में एक कंपेनियन आया है, और वो बहुत ही बहुत अच्छा कंपेनियन है। और ये बात जब पिछली दफ़ा हमने टॉक की थी, हमने ये डिस्कस की थी जी। तो मैंने ये तुम्हें कहा था कि तुम्हें ये मिस नहीं करती तुम कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई कंपेनियन नहीं है, तो उसमें आपने एक जवाब दिया था बड़ा, हाँ आपने जवाब एक दिया था कि मुझे इस बात का अब बहुत ही यानी ये बात समझ में आई है कि मैं अपनी मेटल को टेस्ट करूं कि कौन है जो मुझसे मोहब्बत करेगा। तो जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो वही होगा जो मुझसे रियल मोहब्बत करेगा, और वो अहमर है माशाल्लाह। वो अहमर है जिसने एक्चुअली मकीन से मोहब्बत की। तो माशाल्लाह। तो मैं बस ये दूसरों को कहना चाहता हूँ कि हमारे दुख जितने भी बड़े हों तो हमें ये पता करना, हमें ये देखना चाहिए कि उन दुखों को हम कैसे इंटरनलाइज करें। हम बदकिस्मती से दुखों को एक्सटर्नलाइज कर देते हैं, फिर ची 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 करना शुरू हो जाते हैं, फिर हम एक खुद ना एक अजियत की तस्वीर बनकर फिर हम बैगर बन जाते हैं कि हमदर्दी दो मुझे ये दो। और कुछ अरम जैसे लोग होते हैं जो दुखों को ना इंटरनलाइज कर लेते हैं, और जो चीज़ें इंटरनलाइज होती हैं तो बिल्कुल ऐसे होती हैं जैसे सोना जो है ना वो भट्टी में जाता है, जो अल्केमी का अमल है ना, जो आप क्रिस्टलाइजेशन का अमल है, जो आप अंदर से क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, तो वो जो दुख है वो दुख आपको ना फिर अंदर से क्रिस्टल कर देता है। तो बाकी मैं तो सिर्फ अल्फाज बोल सकता हूँ, जो महसूस तो अना नहीं कर सकती है। ठीक है बेटा, मेरे पास अल्फाज नहीं है एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो चलें अभी मेरे घर से खाना बहुत शुक्रिया।